नीतीश कुमार का बेतुका फरमान, 50 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को जबरन किया जाएगा रिटायर, लिस्ट बनानी शुरू। नमस्कार, मैं शिखा और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। बिहार सरकार ने सरकारी विभागों के 50 साल से ज्यादा उम्र वाले कर्मचारियों को बाहर निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने यह फैसला पिछले साल जुलाई में लिया था, लेकिन अब इस फैसले पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए दो अलग अलग कमेटियों का गठन किया है। पहली कमेटी में 3 और दूसरी कमेटी में 4 लोग शामिल होंगे। गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी समूह क वाले अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा करेगी। इस समिति में गृह विभाग के सचिव और एक आईपीएस रैंक के विशेष सचिव के अलावा विभागीय मुख्य निगरानी पदाधिकारी को शामिल किया गया है। इसके अलावा समूह ख, ग और अवर्गीकृत कर्मचारियों के लिए दूसरी कमेटी गठित की गई है। इसके अध्यक्ष गृह विभाग के सचिव होंगे। गृह विभाग में सचिवों की टीम में उनके अलावा 2 अन्य लोग भी शामिल होंगे, जिनमें उप सचिव भी शामिल होंगे। हर साल इस टीम की ओर से 2 बार समीक्षा की जाएगी। समिति की अनुशंसा पर इस साल जून में जबरन रिटायरमेंट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकार की ओर से 50 साल के ऊपर के अक्षम कर्मचारियों को हटाने के फैसले में और भी घटक शामिल है। सरकार के मुताबिक कर्मचारियों की कार्य दक्षता के अलावा सत्यनिष्ठा और आचार व्यवहार को भी शामिल किया गया है। जून के बाद दिसंबर में दोनों कमेटियां एक बार फिर से समीक्षा करेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि हर 6 महीने में समीक्षा होगी। जब जुलाई में बिहार सरकार ने इसका फैसला लिया था, तब कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले पर सरकार की खूब आलोचना की थी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।